चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो हमारा लेसन है इंग्लिश सब्जेक्ट का गुड हैबिट्स जो कि फोर्थ क्लास का है, इस लेसन को वी स्कूल पे क्रिएट करते वक्त कौन कौन सी जो चीजें हैं एस्पेक्ट्स है इनको ध्यान में रखे से बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इस लेसन के कंटेंट देखने के बाद यहाँ पर बच्चों के दो डोमेन्स को सिलेक्ट किया है जहाँ पे इनका डेवलपमेंट करवाना है। पहला है आपका जो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, एंड सेकेंड वन जो है आपका सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट। इन दोनों डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, इन पर फोकस करते हुए हमने जो आउटकम्स निकाले हैं वो आउटकम्स ये है कि बच्चों को अच्छी और बुरी हैबिट्स यानी आदतों के बारे में बताना, बच्चों को कुछ नई अच्छी आदतें सिखाना, उसके बाद में गुड हैबिट्स की वजह से हम लोग किस तरह एक बेटर लाइफ जी सकते हैं ये बच्चों को सिखाना। इन आउटकम्स को डिलीवर करने के लिए और अचीव करने के लिए हमने अलग अलग जो है एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया है। ये सारी एक्टिविटीज जो है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को तरफ जाती हैं, जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें बच्चों की सेल्फ लर्निंग होती है, जो कि काफी अच्छा और एक इफेक्टिव मेथड है बच्चों को चीजें जल्दी और आसानी से सिखाने के लिए। तो आप भी इन सब एक्टिविटीज को अपने क्लासरूम में कंडक्ट कीजिए।